हाय एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका केम हाउस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा माइकल एच नाज की सीरीज। और आज यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है दोस्तों, इस बुक से भी आज यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने स्टार्ट में ही कहा था, हम लोग एक टॉपिक को 3 रेफरेंस बुक से यहाँ पे कवर करने वाले। हमने क्लेडन से कवर कर लिया है दोस्तों, कैरोथर से भी कवर कर लिया है, और आज ये लास्ट वीडियो बनेगा हमारा माइकल एच नाज के ऊपर, ठीक है। जिन लोगों ने हमारे ये क्लेडन, कैरोथर्स और नाज की सीरीज नहीं देखी है, एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए, फॉर्मेशन ऑफ अल्किन्स के लिए, ठीक है, तो जरूर इस वीडियो को देखे, इस सीरीज को देखे। बहुत ही हेल्पफुल ये यहाँ पे सीरीज आपके सामने हमने लाए हुए है। जो हमने डिस्कस किया है दोस्तों, ये सभी हमने रेफरेंस बुक से आपके सामने डिस्कस किया है, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट दोस्तों, क्या दिया हुआ है माइकल एच नाज ने, या फिर ट्रांस कंपाउंड दिया हुआ है। इसी टाइप का हमने क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व किए है कैरोथर्स के अंदर, ठीक है, इसी टाइप का किए है बस। लेकिन उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है दोस्तों, देखो हम यहाँ पे पहले इसका डिस्कस करते हैं। ये जो मिल गया मेरा, क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू माइकल एच नाज, मिथाइल की स्टोरी केमिस्ट्री नहीं बताया है उसने। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया। जंक्शन कैसा दिया है दोस्तों, ट्रांस जंक्शन दिया है, ठीक है। और हमने जो कैरोथर में डिस्कस किया था, क्वेश्चन किया था कैरोथर का, यहाँ पे जो जंक्शन था भाई हमारे पास दिया हुआ वो सिस जंक्शन था। आपको ऊपर हम पिक्चर दिखा रहे हैं कैरोथर्स की बुक्स की भी, ताकि आप लोगों को इजीली से अंडरस्टैंड हो जाए। और हमने जो हमारा कैरोथर का चल रहा था ये वाला क्वेश्चन, हमने वहां पे बहुत ही अच्छी तरह से इसे डिस्कस किया है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग जब एलडीए डालते हैं, इनोलेट बनवाते हैं हम लोग, और मिथिल आयोडाइड हम लोग जब लेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है, तो जो आपका मिथिल आयोडाइड आता है इस वाले केस में, इस वाले कंडीशंस में, अगर आपके जो ब्रिज हेड के जो हाइड्रोजन है अगर सेम साइड को है, दोनों ही सीस है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपका इलेक्ट्रोफाइल आता है, ठीक है। ये डाउन से है तो इलेक्ट्रोफाइल भी आपका कहाँ से आएगा भाई, डाउन से आएगा। इलेक्ट्रोफाइल भी आपका कहाँ से आएगा, डाउन से आता है। ये हमने सारे चीजें डिस्कस कर लिए है दोस्तों। अभी हाइड्रोजन डाउन से हमारे, तो ये मिथाइल भी कहां से आएगा भाई, डाउन से आएगा। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्या कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है, माइकल एच नाज में हम लोग क्या कंसेप्ट लगाएंगे, यही दोस्तों एडवांटेज होता है, यही फायदा होता है कि हम लोग एक टॉपिक को डिफरेंट डिफरेंट बुक से पढ़ते हैं, तो हमें कुछ नए कंसेप्ट सीखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे कैरोथर में ट्रांस का दिया था, अब माइकल एच नाज में हम लोग सीखेंगे, सॉरी कैरोथर्स में दिया था हमें सीस का, सीस वाले ब्रिजिंग का दिया था, अब माइकल एच नाज में सीखेंगे हम लोग ट्रांस वाले ब्रिजेट के हाइड्रोजन होंगे तो क्या होगा, तो आपका जो रिएक्शन है क्या जाएंगे, जो इलेक्ट्रोफाइल्स आएगा आपका किस तरह से आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो कंडीशन दिया है, क्या दिया है कंडीशंस, पहले हम लोग रिएजेंट लिख लेंगे। पहली कंडीशन तो एलडीए दिया है भाई, ठीक है, -78 डिग्री सेल्सियस में रिएक्शंस होंगी आपकी, इनोलेट बनने वाला है, पहली कंडीशन में इनोलेट बनेगा, ठीक है। अब जो दूसरी दिया है कंडीशंस, दूसरी कंडीशन क्या दिया है, डाइफिनिल डाइसल्फाइड, डाइफिनाइल डाइसल्फाइड दिया है भाई HMPA के साथ। अब यहाँ पे जो आपका सल्फाइड, फिनिल सल्फाइड जो ग्रुप है दोस्तों, इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ है, अब वो कौन से वाले साइड से आएगा ये यहाँ पे हमें देखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं, पहले इसका चेयर फॉर्म बनाते हैं हम दोस्त, ठीक है, चेयर स्ट्रक्चर बनाइए, हमें वहां पे समझ जाएगा क्या स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पे है, रिपल्शन कहाँ पे है, और जो हमारा आएगा इलेक्ट्रोफाइल वो हमेशा लेस स्टेरिकली हिंड्रेंस साइड से आता है, ठीक है। यहाँ पे 5 मेंबर की हम लोग बनाएंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये हमने बना लिए चेयर फॉर्म दोस्तों उसकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मिथाइल, ये तो हाइड्रोजन है भाई, यहाँ पे यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। अब मिथाइल की स्टोरी केमिस्ट्री मेंशन नहीं किया है, ठीक है, यानी हमें मिथाइल को कहाँ पे एडजस्ट करना है, जो हमारा कंपाउंड स्टेबल हो, जो हमारा चेयर फॉर्म स्टेबल हो। तो हमें पता है जो बल्की ग्रुप होते हैं हमारे पास, हम लोग उसे कौन से वाले पोजिशन पे रखते हैं, सुडो इक्विटोरियल। हम सुडो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो 5 मेंबर रिंग होती है दोस्तों, उसमें हम लोग इक्विटोरियल और एक्सियल कंसेप्ट नहीं अप्लाई करते, वहां पे हम लोग सुडो इक्विटोरियल और सुडो एक्सियल का कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करते हैं, जैसा आपको बताया हुआ है क्लेडन में, ऊपर दिख रहा है आपको क्लेडन में, ठीक है। तो अब जो मिथाइल है मैं क्या कर रहा हूँ, उससे मैं सुडो को ले रहा हूँ, सुडो पोजिशन को रख रहा हूँ, यानी कि सुडो इक्विटोरियल,
स्टेबल है, इसीलिए रख रहा हूं मैं, ठीक है। और सेकंड कंसेप्ट दोस्तों, ये जो नीचे का जो फेस होता है, इसकी जो कैविटी होती है नीचे वाली, ठीक है, अगर इस वाला कंपाउंड दिया है, इस तरह कंपाउंड दिया है, ट्रांस वाला दिया है दोस्तों, अगर ये कंसेप्ट याद रख लो, लिख लो आपके पॉइंट में, आपके नोट में, क्या करो इसे ऐड कर लो, ठीक है। अगर ट्रांस जंक्शन वाला कंपाउंड दिया है, लेक्टम दिया है 5 मेंबर का, ठीक है, स्टर, और इधर 6 मेंबर होगा, तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो आएगा अप साइड से। वो कहां से आता है, अब जब हम लोग इसका अल्काइलेशंस करते हैं भाई, एलडीए लिया हुआ हमने, ठीक है, फर्स्ट मोल, हम लोग पहले बना लेंगे इसका यहाँ पे इनोलेट बना लेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ताकि आप लोगों को इजीली से अंडरस्टैंड हो जाए, समझ में आ जाए अच्छे से, ये इनोलेट बनाया हूं मैंने, ठीक है। अभी मिथाइल है हमारे पास, ये हाइड्रोजन्स और ये हाइड्रोजन्स। अब ये वाला जो फेस होता है दोस्तों, ये वाला यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से आपका जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो लेस स्टेरिकली हिंड्रेंस से आता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे जो पीएच और सल्फाइड, यानी कि जो डाइसल्फाइड डाइफिनिल सल्फाइड में से क्या होता है, एक जो मॉइटी है हमारी ये बाहर चली जाएंगी और इस सल्फर पे अटैक करके यहाँ पे जो ग्रुप आएगा आपका, ये अपसाइड से आएगा। कहा से आएगा, अपसाइड से। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डाउन साइड को जो यहाँ पे जो दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, ठीक है। तो हमेशा हम लोग जब 5 मेंबर के अंदर अल्काइलेशंस करते हैं, ट्रांस जंक्शन के अंदर, किसमें बोल रहा हूँ मैं, ट्रांस जंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, सिस की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखो। सिस में तो हम लोग क्या कहते हैं, जो आपकी ब्रिज हेड की हाइड्रोजन की पोजिशन होती है उसी साइड से आता है, क्योंकि हमने ये कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं कैरोथर्स के अंदर। जिन लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है कैरोथर का, वो जरूर वो वीडियो देख ले, उसमें हमने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो आएगा आपका डायफिनिल डाइसल्फाइड से अप साइड से आएगा, ठीक है, अब से आ रहा है भाई मेरे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसे लिख रहा हूँ, देखो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। अब ये मेरा आ गया अप साइड से, ये आ गया, ये मिथाइल है हमारे पास, ठीक है, CH2H, और ये है हमारे पास भाई ऐसी, और ये PH। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन से और एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन से, क्लियर हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसी को यहाँ पे मैं डाउन से लिख रहा हूँ, ये तो क्लियर हो गया, आपको समझ गया, यही कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसके अंदर। अगर आपने डाउन से ला लिया इलेक्ट्रोफाइल आपका, तो आपका यहाँ पे कंसेप्ट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल डाउन से ला लिया तो कंसेप्ट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अब मैं एस लिख रहा हूँ यहाँ पे, और ये मिथाइल का CH2, और ये एच लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें रिएक्शंस करना है, कौन सी वाली, सिन पायरोलाइटिक एलिमिनेशंस करना है, ठीक है, सिन की हो रहा है, क्योंकि अब हम लोग क्या करने वाले हैं इसके बाद, जो हमारे सल्फर दिया हुआ है हमें कंपाउंड में, उसके ऊपर हम लोग करने वाले हैं ऑक्सीडेशंस। और जब हम लोग ऑक्सीडेशंस करते हैं इस सल्फर का दोस्तों, तो ये क्या बन जाएगा, सल्फोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो सल्फोक्साइड बन जाएगा। और सल्फोक्साइड किसका एक्स ग्रुप होता है एलिमिनेशन रिएक्शंस का, सिन पायरोलाइटिक एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। ये क्लियर हो गया दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था इसके अंदर, कि आपका जो इलेक्ट्रोफाइल से वो कहां से आएगा, क्यों आएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। अब बढ़ना है हमें आगे, अगर आपको ये पॉइंट हमें क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप लोग क्लेडन के अंदर जो दिया हुआ है स्टेरियो सेलेक्टिविटी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, उस वाले टॉपिक में भी उसने अच्छे से इलाबोरेट किया है लेक्टम्स को, ठीक है दोस्तों। वैसे हम आपको ऊपर पिक्चर बता रहे हैं उसकी, और हमारा जब चैप्टर चलेगा वो वाला भी, ठीक है, स्टेरियो सेलेक्टिविटी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड क्लेडन का, तो वहां पे हम लोग और उसे डीप में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है हमें, सोडियम, क्या दिया है दोस्तों यहाँ पे, सोडियम दिया है पर आयोडेट दिया है, सोडियम पर आयोडेट। अब क्या करेंगे भाई, आपका सोडियम पर आयोडेट, आपका जो सल्फर है, अब सल्फर के ऊपर होने वाला है ऑक्सीडेशन, ठीक है, सोडियम पर आयोडेट। कंडीशन क्या दिया है, मिथेनॉल है साथ में, हमें दिया हुआ है सॉल्वेंट, वाटर मॉलिक्यूल और आरटी, रूम टेम्परेचर दिया है भाई, ठीक है। अब करना क्या है हमें यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन करना है सिंपल, यहां से आगे तो आप लोग कर लोगे, लेकिन जो मेन कंसेप्ट था दोस्तों इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, CH2 ये हाइड्रोजन में लिख रहा हूं यहाँ पे, इस तरह ने यहाँ पे लिखे CH2H,
ठीक है। अब यही एच क्या करता है, अब देखो ये पी एच आ गया, ये ओ माइनस आ गया और ये प्लस चार्ज आ गया। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये दूसरा वाला हाइड्रोजन, क्लियर हो गया। अब कंडीशंस क्या है भाई, जो कि हम लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट से डिस्कस कर, क्या एटलीस्ट बीटा कार्बन के ऊपर हमें एक क्या चाहिए भाई, हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है, अब देखो यहाँ पे ये अल्फा आ गया और ये बीटा आ गया और यहाँ पे एक बीटा है, ठीक है। और हम रिएक्शन कौन सी कर रहे हैं, सिन पायरोलाइटिक एलिमिनेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो आपका सल्फोक्साइड दिया हुआ है, ये अपसाइड से दिया हुआ है, अब वो दो प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है आपका, ये किस तरह से गया है दोस्तों, ये डाउन साइड से चला गया है, ठीक है, ये डाउन से चला गया है। और ये कैसा है आपका, सल्फोक्साइड अपसाइड से चला गया है, यानी ये दोनों ही एक दूसरे को किस तरह से हो गए, ट्रांस टू इच अदर हो गए, ठीक है। तो ट्रांस टू इच अदर होने की वजह से ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है, ठीक है, क्योंकि हमें सिन एलिमिनेशन करना है भाई, हमें ट्रांस एलिमिनेशन नहीं करना है। और सिन क्यों करना है, सिन क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सल्फोक्साइड्स जो एक्स ग्रुप है हमें वो मिला है, इसलिए हम लोग सिन एलिमिनेशन कर रहे हैं। तो अब जो पॉसिबिलिटी है हमारे रिएक्शन की, ठीक है, कहां से जाएंगे रिएक्शन हमारी, ये जो मिथाइल ग्रुप डाउन से गया हुआ है, इस मिथाइल ग्रुप के पास जो हाइड्रोजन होता है हमारा, अब ये जाएगा बाहर, ठीक है, ये बाहर जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मिलेगा। कौन सा डबल बॉन्ड मिलेगा, एक्सोसाइक्लिक, ठीक है। इस तरह से डाउन को चला गया हमारा हाइड्रोजन और ये अपसाइड को चला गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी यहाँ पे हमारे जो रिएक्शन जाएंगे वो SN1 से भी जा सकती है और SN2 से भी जा सकती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, दोनों से जा सकती है, क्योंकि ये जो दिया हुआ है हमें PHCH2Br, कार्बोकैटायन बनता है तो स्टेबलाइज करेंगे, अब एंजाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। और SN2 भी पॉसिबल है क्योंकि प्राइमरी एल्किल हैलाइड से भाई, स्टेरिक इंटरेस्ट नहीं है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से। तो अब जो रिएक्शन होंगी हमारी, क्या दिया हुआ है हमें, फिनिल सेलियम क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, Br को बाहर निकालेगा। तो अब यहाँ पे जो मॉइटी मिल रही है हमें सेलियम और फिनाइल, ठीक है, इन कंडीशंस क्या हुआ है हमारे पास, मिथेनॉल कंडीशन है दोस्तों। अब सेकंड वाला क्या दिया है कंडीशंस, CH3, सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ, LDA दिया है, सेकंड क्या दिया है भाई, LDA दिया है, THF दिया हुआ है -78 डिग्री, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पे जो दिया हुआ है हमें Br अटैक करेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है आपकी, SN2 से जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये कहाँ से जा रहा है भाई, SN2 जा रहा है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे PHIC और ये PH, अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, इथाइल ग्रुप आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है, H2O2, यानी कि हम लोगों को क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, किसका होगा ऑक्सीडेशन, सेलिनियम का होगा, ठीक है, H2O2 और साथ में THF दिया है। अब हम इसको ऑक्सीडेशन करते हैं हम लोग, क्या बनता है, सेलिनियोइड बनेगा। और ये भी क्या करता है भाई, ये भी क्या करता है, सिन एलिमिनेशन करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने किस तरह से बनाया दोस्तों, सेलिनोइड्स को किस तरह से बनाया हमने, पहले तो सबसे फर्स्ट कंडीशन अल्किल हैलाइड्स लिए प्राइमरी, ठीक है, उसके बाद फिनिल सेलियम की रिएक्शन करवाए, प्रोडक्ट मिल गया, LDA लिया आपने, एसिडिक प्रोटॉन होगा यहाँ का, निगेटिव चार्ज कंजुगेशन मिलेगा उसको यहाँ पे, एक तो ये कंडीशन, और दूसरा जो सेलिनियम होता है, ठीक है, ये कंसेप्ट दिया हुआ है क्रीडन के अंदर, सेलिनियम और सल्फर, उनके हम लोग क्या करते हैं, जो अल्फा के ऊपर हम लोग कार्बन अनायन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, अल्फा पे हम लोग क्या करते हैं, कार्बन अनायन फॉर्मेशन करते हैं, जो के जो हेट्रो एटम होता है ये, ठीक है, ये क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। तो यहाँ पे हमने अनायन बनाए, LDA के साथ रिएक्शन करवाए, अटैक SN2 रिएक्शन हो गए यहाँ पे, ये वाली मॉलिक्यूल मिल गई, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे कंडीशंस क्या है, आ गया सिन एलिमिनेशन का रिएक्टेंट, आ गया सिन एलिमिनेशन का, ठीक है। अभी अल्फा, अब ये जो कंपाउंड है हमारा, ये अल्फा आ गया और ये बीटा आ गया, इस वाला ये वाला है तो बीटा तो ब्लॉक है भाई, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन वहां प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो बीटा वाला जो हाइड्रोजन है दोस्तों, अब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, इसके साथ,
ठीक है, ये जाएगा बाहर आपको इस तरह से। तो आपका जो प्रोडक्ट है यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है, प्रोडक्ट क्या मिल रहा है भाई यहाँ पे देखो, ये पीएच आ गया और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये इथाइल, ठीक है। अगर इसी को हम लोग ने अगर मॉडिफाई करके लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है, अगर इसी को स्ट्रक्चर को हमने कुछ इस तरह से अगर रोटेट करके लिखे दोस्तों, ये पीएच आ गया हमारे पास, ठीक है, ये सेलिनियम ओ माइनस और ये प्लस और यहाँ पे इथाइल ग्रुप आ गया, ठीक है। इथाइल को हमने क्या किया यहाँ पे लिख लिया, अब देखो ये अल्फा और ये बीटा, ये हाइड्रोजन लेगा यहाँ से, ये बाहर चला गया, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब इसको डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल्स दिया है हमें माइकलिस मेंस ने क्या दिया है, पाइपरिडिन दिया है और यहाँ पे एल्डिहाइड दिया है, ठीक है, यानी रिएक्शन हमारी होने वाली है एल्डिहाइड के साथ, कौन रिएक्ट करेगा, पाइपरिडिन। जो पाइपरिडिन होता है दोस्तों ये क्या होता है भाई, ये हमारा है सेकेंडरी साइक्लिक अमाइंस, क्या होता है ये सेकेंडरी साइक्लिक अमाइंस होता है, और ये जो रिएक्शन है कौन सी रिएक्शन है, ये स्टॉक इनामाइन रिएक्शन। तो हमें क्या करना है, पहली कंडीशन के अंदर स्टॉक इनामाइन रिएक्शन करना है, जो कि हम लोग बनाते हैं ना इनामाइन, हम लोग इन शॉर्ट में उसका मैकेनिज्म देखते हैं दोस्तों। ये हमारा आ गया एल्डिहाइड, ये मैं आर लिख रहा हूं इस वाले ग्रुप को, ठीक है। अब पाइपरिडिन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड के साथ, पाइपरिडिन क्या करे भाई, रिएक्ट करा एल्डिहाइड के साथ क्या बनाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे इमाइन बना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ हमारे स्टेप्स, इमाइन बना रहा हूं मैं, ये हमारा बन गया इमाइन, वाटर मॉलिक्यूल लॉस्ट होता है यहाँ से, और ये आर ग्रुप, ये हमने बना लिए इमाइन। अब यहाँ से आगे क्या होता है दोस्तों, ये जो इमाइन के कार्बन होता है अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, इस इमाइन को स्टेबलाइज करता है और कन्वर्ट कर देता है भाई टर्शरी अमाइंस के अंदर, क्या करेगा ये टर्शरी अमाइन में इसे कन्वर्ट कर देगा। अब ये क्या बन गया देखो दोस्तों, अब ये जो माइटी है हमारी ये हो गया इन, और ये क्या बन गया हमारा, ये हो गया अमाइन, ये हो गया अमाइन, कौन सा वाला टर्शरी अमाइंस, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं इनामाइन, क्या बन गया भाई हमारा इनामाइन बन गया। अब यही इनामाइन से हम लोग क्या करते हैं अल्काइलेशन करते हैं, जो लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन के, अब नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया है हमें, फिनिल सेलियम क्लोराइड दिया है, क्या करेंगे इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर से, देखो इस तरह से रिएक्शन होंगी, अरे सीएल को बाहर करें, ठीक है, ये जो रिएक्शन से पहले ये कौन सी दोस्तों, ये स्टॉर्क इनामाइन है, स्टॉक इनामाइन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जो मिल गया है यहाँ पे कंडीशन में लिख रहा हूं आर डबल बॉन्ड एन, अगेन हमने क्या बना दिए इमाइन बना दिए, और यहाँ पे क्या आ गया सेलियम और फिनाइल आ गया, ठीक है। अब क्या दे रहा है कंडीशन, H2O और कप, यानी इसे हम वापिस से क्या करना है डी प्रोटेक्शन करना है इसका, ठीक है, जो दिया हुआ है इमाइन जो बना है हमारा, हम फर्दर और हमने क्या किया इस पे H2O ले लिए, वर्कअप कंडीशन कर रहे अगर हम लोगों ने, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा, ये R, ये SCPH as it is आ गया और ये एल्डिहाइड आ गया, यहां तक क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है सोडियम पर आयोडेट, अब क्या दिया है सोडियम पर आयोडेट, अब सोडियम पर आयोडेट क्या करेंगे हमें पता है सेलियम है, ऑक्सीडेशन करेंगे ऑब्वियसली, मैं ये ऊपर लिख ले रहा हूं, इसे ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। अब जो सोडियम पर आयोडेट है हमारे पास, इसे मैं आर कंसीडर कर रहा हूं भाई, ये आर आ गया, यहां पे क्या था हमारे पास, यहां पे दिया हुआ था एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन गया, हमने यहां पे क्या बनाए थे सेलियम, अरे पीएच। अब सोडियम पर आयोडेट इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल और वाटर क्या करेगा, ये सेलियम का ऑक्सीडेशन करेगा और सिलिनोइड्स बनाएगा, ये आ गया एसी ओ माइनस, ये प्लस और ये पीएच, और यहाँ पे एल्डिहाइड एज इट इज। अब क्या करना है हमें,
सिंपल कंडीशन आ गई एलिमिनेशन की, अल्फा और ये बीटा। ठीक है दोस्तों, ये बीटा पे जो हाइड्रोजन से ये क्या करेगा, सिन एलिमिनेशन करेगा और ये बाहर चला जाएगा। तो जो ओवरऑल प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है, ओवरऑल जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, ये आर एज इट इज, ये इसका प्रोडक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट वाले प्रॉब्लम। दोस्तों ये जो फोर्थ वाला जो दिया है हमें एग्जांपल्स, ठीक है, कंडीशंस क्या दिया हुआ है, गिबनार्ड रिएजेंट्स। दोस्तों अगर ये कॉपर नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, अगर कॉपर नहीं होता, अगर सिर्फ गिबनार्ड रिएजेंट्स होता तो ये क्या करता है, गिबनार्ड रिएजेंट हम सभी को पता है इसका नेचर्स होता है वो हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स होता है, तो ये क्या करता था यहाँ पे वन टू एडिशन करता था डायरेक्ट, ठीक है, अगर कॉपर नहीं होता तो। पर मान लो यहाँ पे कॉपर नहीं है तो ये क्या करता था, गिबनार्ड रिएजेंट डायरेक्ट वन टू एडिशन करता था यहाँ पे, लेकिन हमें वन टू एडिशन नहीं करवाना है, हमें क्या करवाना है भाई, वन फोर एडिशन करवाना है। तो ये जो कॉपर होता है ये क्या करता है, इस वाले गिबनार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी कम कर देता है, यानी उसका हार्ड से उसको सॉफ्ट में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो रिएक्शन जो जाती है हमारी, अब ये वन टू से नहीं जाएगी, फिर अब ये वन टू से नहीं जाएगी, अब ये क्या करता है डायरेक्ट वन फोर एडिशन करता है। ठीक है, वन फोर एडिशन करेगा इस तरह से, किसकी वजह से कर रहा है, इस कॉपर की वजह से कर रहा है। ठीक है, कॉपर क्या करता है, इसकी रिएक्टिविटी कम कर देता है गिबनार्ड रिएजेंट्स की, और यहाँ पे इसे सॉफ्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब जो आपका जो मिलेगा यहाँ पे प्रोडक्ट इनोलेट का, अब देखो क्या मिलता है यहाँ पे, अब आपने क्या किया, कितने कार्बन है हमारे पास, वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन है भाई, वन टू थ्री फोर ये आ गया और ये इनोलेट बन गया ओ माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है हमें, फिनिल सेलियम, क्या दिया है नेक्स्ट कंडीशन, फिनाइल लिख रहा हूं मैं ऊपर, पीएच एस सी बी आर, क्या करेगा अभी ये इस तरह से अटैक करेगा और बी आर को बाहर निकालेगा। अब जब रिएक्शन हो रही है हमारी यहाँ पे, क्या बन रहा है भाई, इनोलेट बन के हमने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल्स को वहां पे रिएक्शन करा इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो यहाँ पे बनता है आपका एस सी और ये पीएच। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, H2O2 और प्रीडीन, यानी क्या होने वाला है, सेलियम का ऑक्सीडेशन होने वाला है, सेलिनोइड्स बनने वाला है, एलिमिनेशन होगी, कौन सी वाली, सिन एलिमिनेशन रिएक्शंस, यहां से आ गया सिंपल सिंपल H2O2 प्रीडीन, क्या करेगा ये करेगा ऑक्सीडेशन सेलियम का, एक दो तीन चार। ठीक है, ये मेरा बन गया HCO- और ये पीएच। अब बीटा वाला कार्बन एक ही है हमारे पास, ये अल्फा ये बीटा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होंगे रिएक्शन, इस तरह से रिएक्शन होंगी और जो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा भाई, क्या होने वाला है प्रोडक्ट फॉर्मेशन, देखो आपका ये बन जाएगा प्रोडक्ट वन टू थ्री फोर, ये फोर आ गया, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों, आज यहाँ पे हमारा माइकल एच नांस का भी एंड होता है लेक्चर्स। ठीक है, अब हमारा जो लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर आएगा, हम लोग कोऑर्डिनेशंस पे डिस्कस करेंगे और हम लोग यहाँ पे अब रेंडमली वीडियो बनाएंगे। ठीक है, एक लेक्चर ऑर्गेनिक्स पे आएगा, एक लेक्चर कोऑर्डिनेशंस पे आएगा और जो हो सकता है ऑर्गोनोमेटालिक्स पे भी लेक्चर आ जाए। ठीक है, तो हम लोग अब डायरेक्ट रेंडमली यहाँ पे, यहाँ से आगे हम लोग वीडियो डालने वाले। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें और लाइक करें। ठीक है।